अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। यानी जो वेरिएबल, जैसे ये फंक्शन एक्स है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड वाले में थीटा है तो हमें इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। हमें सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहा हुआ कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करें या फिर एब इनिशियो मेथड से, तो हम वो फोर स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। हम जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करके फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x, डेरीवेटिव ले लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर जो y का डेरीवेटिव है बन जाएगा डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास टू फंक्शन हैं एक्स स्क्वायर और सेकेंड 4x। तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरीवेटिव, प्रोडक्ट टू लग जाएगा। एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन, तो हमारे पास होता है एफ फंक्शन जी फंक्शन का डेरीवेटिव प्लस जी फंक्शन एंड एफ फंक्शन का डेरीवेटिव। एक्स स्क्वायर पर डेरीवेटिव नहीं था, वाई एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड 4x, सेकेंड एक्स का डेरीवेटिव यानी सेकेंड थीटा का डेरीवेटिव होता है हमारे पास सेकेंड एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स। अगर सेकेंड के साथ एक्स नहीं 4x है तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड 4x टेन 4x, और साथ क्योंकि 4x है और 4x का आगे डेरीवेटिव और आ सकता है। एक्स का डेरीवेटिव अगर सिंपल एक्स होता तो एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू 1 होता है, वो नहीं लिखने की ज़रूरत, लेकिन 4x का फर्दर डेरीवेटिव आ सकता है, तो इसलिए हम 4x का भी आगे साथ डेरीवेटिव लेंगे। इसी तरह सेकेंड 4x एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x सेकेंड 4x। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x टेन 4x, 4x का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा 4। अब इसको आप जब ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x टेन 4x इंटू 4 यानी 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x सेकेंड 4x। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 4x भी है, सेकेंड 4x भी है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि एक में 4 है और एक में 2 है, तो 2 तो कॉमन निकल सकता है और x भी कॉमन निकल सकता है। तो 2x सेकेंड 4x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा तो पहले 1 लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक x कॉमन निकलने के बाद एक x रह गया, 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 रह गया और tan 4x आ गया। तो ये बन गया रिजल्ट 2x सेकेंड 4x इंटू 1 प्लस 2x tan 4x, और ये रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है टेन क्यूब थीटा इंटू सेकेंड क्यूब थीटा। वाई हमारे पास ये बना टेन क्यूब थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास फंक्शन था उसको हमने वाई की लेट कर लिया। अब क्योंकि एक्स का फंक्शन नहीं है, थीटा का फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, हमने लगा देना है प्रोडक्ट टू। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ये एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन है, तो आप बेशक पहले एफ का ले सकते हो क्योंकि दोनों प्रोडक्ट रूल में दोनों टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। ये एफ, ये वाला फंक्शन एफ है एंड ये वाला फंक्शन जो है जी है। एफ फंक्शन एज इट इज जी फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस जी फंक्शन एज इट इज एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ फंक्शन एज इट इज था उसको कुछ नहीं कहेंगे, जी फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यानी सेकेंड थीटा, मैंने आपको बताया कि जब रेशियो का स्क्वायर होता है तो हम उसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया था 2 सेकेंड थीटा, यानी पावर वो लगा दिया 2 सेकेंड पावर पहले एन फंक्शन एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड, 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही होता है, तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 सेकेंड थीटा आ जाएगा, और सेकेंड थीटा हमें पता है फर्दर डेरिवेटिव आ सकता है, तो सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव साथ लिख देंगे कि इसका आगे जो डेरिवेटिव निकलता है सेकेंड थीटा का वो भी हमने कैलकुलेट करना। अब इसी तरह सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज टेन क्यूब थीटा का आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास सेकेंड थीटा का हमने लिया पावर रूल पे, इस तरह हम टेन पे भी पावर रूल लेंगे। 3 टेन 2 रेज पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, तो टेन स्क्वायर आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर, और टेन का फर्दर डेरिवेटिव आ सकता है, तो इसलिए हम टेन थीटा साथ लिख देंगे। ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा 2 सेकेंड थीटा,
सीकेंड थीटा का भी हमने पढ़ा था कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, अगर सीकेंड थीटा है तो सीकेंड थीटा टेन थीटा, ये फर्दर डेरिवेटिव आ गया। और टेन थीटा का फर्दर डेरिवेटिव जो फॉर्मूले से होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा प्रोडक्ट करके फॉर्म में बना लेते हैं, ये आ जाएगा टू पहले आ जाएगा टेन क्यूब और ये एक टेन, टेन फोर थीटा पावर फोर आ जाएगी, सीकेंड थीटा वन टाइम और टू टाइम टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर थ्री टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा सीकेंड फोर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने कॉमन क्या ले लेना, यहाँ पर टू टाइम्स टेन है यहाँ फोर टाइम्स है, तो टू टाइम्स टेन कॉमन निकल सकता है, सीकेंड स्क्वायर और यहाँ सीकेंड फोर है तो सीकेंड स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है। यहाँ बच जाएगा थ्री, फोर में से टू सीकेंड स्क्वायर चला गया और दोनों टेन चलेगा तो ये सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर फोर में टू सात आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन निकल गया और टेन में से फोर में से टू चले गए तो सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। और यही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थ्री, कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, यानी यहाँ पर एंगल पर पावर यानी एक्स टू रेज पावर वन बाई टू है, कॉस एक्स टू रेज पावर वन बाई टू। और यहाँ पर क्या है प्लस साइन एक्स टू रेज पावर वन बाय टू। वाई ले लिया हमने कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो पहले तो हम सिंपल कॉस वाला रूल लगा लेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर रूट एक्स है तो हमारे पास जो भी एंगल होता है वो साथ आ जाता है, अगर कॉस के साथ स्क्वायर रूट एक्स है तो साइन के साथ स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव है तो माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब ये जो एंगल है इसका फर्दर यानी स्क्वायर रूट एक्स जो हमारे पास है एक्स टू रेज पावर वन बाई टू, इसका फर्दर डेरिवेटिव बनता है तो हम साथ फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया, ये आ जाएगा वन बाई टू साइन टू रेज पावर वन बाई टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। और ये वन बाई टू नीचे अगर टू के साथ ले जाएँ तो पॉजिटिव वन बाई टू बन जाएगा और पॉजिटिव वन बाई टू का हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म लिख सकते हैं, वन बाई टू साइन एक्स का स्क्वायर रूट और साथ साइन ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और ये एक्स टू रेज पावर वन बाई टू का हमने एक्स के जो स्क्वायर रूट का फर्दर डेरिवेटिव लेना था वो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स टू रेज पावर वन बाई टू, एक्स टू रेज पावर वन बाई टू आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू एक्स टू रेज पावर माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू नीचे जाके प्लस वन बाई टू बन जाएगा और वह एक्स जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स जो हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स का आया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाई टू इसमें भी था और वन बाई टू सेकेंड टर्म में था, वन बाई टू कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस साइन एक्स था और नीचे स्क्वायर रूट एक्स था और यहाँ ऊपर कॉस एक्स था और नीचे स्क्वायर रूट साइन एक्स था, तो यही हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट का जो है वो रिजल्ट है। अब डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में फाइंड करना है, और y हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू x cos y। डेरिवेटिव लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ले लिया तो वो आ गया डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है x और cos y। अब ये जो फंक्शन है वो मिक्स फंक्शन है, यानी x भी है और इसमें y भी है, तो ये होगा जहाँ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हम सिंपल आ जाएगा, लेकिन जहाँ y का डेरिवेटिव लेंगे तो एक तो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा साथ y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया f फंक्शन एज इट इज g का डेरिवेटिव प्लस g फंक्शन एज इट इज f का डेरिवेटिव, यानी x फंक्शन एज इट इज और ये cos y का डेरिवेटिव जो होता है cos x का जो होता है माइनस साइन x होता है, तो cos y का माइनस साइन y होगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन आ जाएगा, या आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस वाई। इस ये जो हमारे पास क्योंकि दो टर्म्स में डेरीवेटिव ऑफ वाई है तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी,
बाकी आपके पास कॉमन बचेगा वन प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, और ये जो वन प्लस एक्स साइन क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट यानी डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, तो वन प्लस एक्स साइन वाई जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा कॉस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर टू, सेम एज इट इज करना है आपने, यानी आपके पास दोनों फंक्शन वाई के फंक्शन में। अब जहाँ एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिया था यहाँ पे, जो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था तो वन आ गया था, लेकिन जब वाई का डेरिवेटिव अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया तो वन नहीं आएगा बल्कि डेरिवेटिव अब वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो ये आपने ख्याल रखना, बस एक्स की जगह वाई का, तो जैसे साइन वाई का डेरिवेटिव लोगे और साथ उसके डी वाई फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन जब आप सेकंड टाइम करोगे ना एफ का डेरिवेटिव लोगे तो एफ का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आपने जिन टर्म्स राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे लेना पड़ता है, तो ये जो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वन आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो, तो यहाँ वन आएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसके हिसाब से आपके पास थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी और उसका रिजल्ट आ जाएगा वन डिवाइड बाई वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई, आपने खुद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टू एक्स का। जो कॉस एक्स होता है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, चाहे उसके साथ कोई भी एंगल हो। तो यहाँ पर जब हम कॉस एक्स लेंगे तो जिसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स आएगा। अगर हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है तो फिर हम फर्दर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स था उसका डेरिवेटिव जो होगा, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया और राइट हैंड साइड पर जो कॉस का डेरिवेटिव था वो माइनस साइन आ गया और साथ वो एंगल आ गया जिसका डेरिवेटिव, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। अब एंगल क्योंकि फर्दर डिफरेंशिएबल है, इस एंगल का हम फर्दर डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो इस एंगल का भी हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास है वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स टू रेज पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं पावर वन बाय टू अब पावर रूल लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय टू यानी एन एक्स, इसी पे लगा लेते हैं एन, यानी पावर जो है पहले आ जाती है, फंक्शन आ जाता है एन या एक्स या एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी वन बाई टू में से हम माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो हमारे पास वन से मल्टीप्लाई हो डायरेक्ट, यानी न्यूमरेटर में जब इसको हम टू के साथ ले जाएंगे यानी डिवाइड में ले जाएंगे तो ये माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू हो जाएगा, और प्लस वन बाई टू पावर को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तो हमारे पास पावर रूल लगा। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन दोबारा पावर रूल लगाने के बाद भी आया वो भी डिफरेंशिएट हो सकता है, तो अब आगे हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी फंक्शन जहाँ तक डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कोशेंट में है तो यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, ये फंक्शन है एफ एंड ये फंक्शन है डिवाइड वाला जी। अब यहाँ ख्याल रखना कि पहले एफ फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट में आना चाहिए, क्योंकि जी फंक्शन का डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ माइनस आएगा। जी फंक्शन एज इट इज़ एफ फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ फंक्शन क्या है वन प्लस एक्स, वन का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है जीरो आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा वन, जीरो प्लस वन का मतलब क्या है वन, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया वन। जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ फंक्शन एज इट इज़ जी का डेरिवेटिव अब निकालेंगे, जी का डेरिवेटिव निकालेंगे वन का डेरिवेटिव तो कॉन्स्टेंट है जीरो आ जाएगा, टू क्योंकि कांस्टेंट है और उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई आ रहा है तो टू को बाहर ले लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा वन, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू और नीचे जी फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स
कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम वन प्लस टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करने के बाद और वन प्लस एक्स को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव टू एक्स को खत्म कर देंगे। ये वन प्लस टू एक्स का स्क्वेयर आ गया, माइनस वन और ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके पास वन प्लस एक्स जो है वो क्योंकि एक ही बार है तो वो एक ही बार आ जाएगा। इस साइन ऑफ एक्स को हम जो है वो तो साथ ही रहेगा ना, इसको हम नहीं से अलग बाकी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये तो अलग रह जाएगा। बाकी ये जो फैक्टर बचा उसमें से हमारे पास वन टू है, इस टू को भी इधर पहले लिख दिया टू। बाकी आपके पास वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट सिर्फ एक ही टर्म है वन प्लस एक्स की, तो उसको एक साथ लिख देंगे। वन प्लस टू एक्स यहाँ नीचे जो पावर है वो टू के साथ है और ऊपर पावर जो है वो वन बाय टू है, तो पावर नीचे आएगी तो वो माइनस वन बाय टू हो जाएगी। तो ये आपके पास टू माइनस वन बाय टू है वो थ्री बाय टू बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाला वन प्लस टू एक्स का जो पावर वन बाय टू थी और नीचे जो टू थी उनको कंबाइन किया तो पावर आ गई थ्री बाय टू। और जो टोटल रिजल्ट आ गया आपके पास डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टू एक्स। टू जो है इसका वो साइन स्क्वायर रूट वन प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स, वह सेम वही मेथड है। साइन साइन का जो डेरीवेटिव होता है कॉस होता है और फिर आपने फर्दर जो एंगल का डेरीवेटिव लेना है, सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है, बस साइन की जगह कॉस, साइन का डेरीवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। और आपने जब क्वेश्चन टू लगाना है तो लास्ट जो पार्ट हमने किया वहाँ वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टू एक्स था, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आ गया, सेम मेथड है और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स टू रेज पावर थ्री बाई टू। ये आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में जब हमारे पास एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है तो हम फर्स्ट वाले को वाई ले लेते हैं और सेकंड वाले को यू ले लेते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो ऑलरेडी फंक्शन में यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन वाई और सेकंड वाला यू है। अब हमने वाई का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू यू, इसमें हमने चेन रूल लगाना पड़ेगा। वाई का जब हम, क्योंकि वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है और यू जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक टाइप की क्वेश्चन बन गई है, तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे और एक्स का यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड आउट किया, तो वाई जो है वो साइन ऑफ एक्स था, साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस ऑफ एक्स आता था। यू जो है वो कॉट ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव जो होता है, फॉर्मूला जो है हमारे पास कॉट ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है। साइन ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला कॉस ऑफ एक्स है और जो कॉट ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला में हमारे पास है डेरिवेटिव वो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है। अब हम चेन रूल लगा लेंगे, हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू अगर हमने निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने y विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा y विद रिस्पेक्ट टू x और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x विद रिस्पेक्ट टू u। इससे क्या होगा, x और x वाले अगर आप देखो तो खत्म हो रहे हैं और y का विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा। अभी हमारे पास आएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है cos ऑफ x, और u का विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको हमें उलट करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए x का विद रिस्पेक्ट टू u। और ये है u का विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको हम उलट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंड जो होता है वो साइन से फाइंड आउट होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन ओवर कोसिकेंड होता है वन ओवर, अब इसको उलट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर यू, क्योंकि अगर हम उसको उलट करेंगे तो वन ओवर कोसेकेंड आ जाएगा, वन ओवर कोसेकेंड जो होता है वो साइन के इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमें दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू,
अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपके पास मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारे पास रिजल्ट है इस क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करे थे, हमसे आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।